everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani. To class 10 students, today we will discuss some most important question and previous year question of chapter Kuj. Kuj jo hai, Glimpses of India ka part 2 chapter hai, theek hai? To Glimpses of India chapter mein, we are studying 3 parts, that is, in first chapter humne Bake Off for Goa padha, second mein hum Kuj padhe, third mein hum Tea from Assam padhenge. To sabhi chapter ke important question agar aapko check karne hai, all the chapters, theek hai? Either it's the first book, either it's the second book, description box mein playlist given hai, class 10 English ki, aap wahan se sabhi important question check kar sakte ho, and chapter ka explanation bhi, theek hai? To start karte hai Kuj chapter, and one random question before starting the chapter is, pehle jaldi se aap mujhe comments mein bata do, if you remember, ki Kuj ko visit karne ka sabse achha jo month होता है वो कौन सा है. जैसे कि विजिटर्स के लिए सबसे फेवरेबल मंथ हमें बता रखा है कि किस समय विजिटर्स को टूरिस्ट को कूच जाना चाहिए, वो मंथ मुझे बताओ कमेंट्स में. एंड हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे. फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज द ऑथर इन कूच से दैट द विजिटर्स सर्च फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया वुड बी फाउंड इन कूच. ठीक है, जिन जो ढूंढ रहे हैं ना हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, वो कूच जा सकते हैं. ऐसा क्यों कहते हैं वो? तो गाइज लेट्स सी. कूच शोकेसेस मेनी वियर्ड एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन. दीज आर ब्यूटीफुल लैंडस्केप भी दिखाता है, ब्रेव कूची मैन, ट्रेडिशनल कुपिया ड्रेसेस, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, रिच फ्लोरा एंड फौना, एंड प्लांटेशन ऑफ कॉफी एंड स्पाइसेस. द कूच शोज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया. तो बेसिकली गाइज कूच जो है ना वेरीड एस्पेक्ट्स, मतलब है बहुत सारी एस्पेक्ट्स हमारे इंडिया की हम कूच में देख सकते हैं, जैसे कि हमारे कल्चर ट्रेडिशन के और हमारे पूरे इंडिया के ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, अलग अलग लैंडस्केप देख सकते हैं, ब्रेव कूची मैन देख सकते हैं, तो ब्रेव पीपल देख सकते हैं हम, ट्रेडिशनल ड्रेसेस देख सकते हैं, तो हमारी डाइवर्सिटी शो कर रहा है ये, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज देख सकते हैं, रिच फ्लोरा एंड फौना देख सकते हैं, प्लांटेशन देख सकते हैं कॉफ़ी का भी, स्पाइसेस का भी, एज इंडिया में हमारे यहाँ प्लांटेशन भी होती है टी की भी, कॉफ़ी की भी, स्पाइसेस की भी. तो अगर आप कूच जाते हो तो आपको कॉफ़ी की भी और स्पाइस की तो प्लांटेशन दिख जाएगी, इतने अच्छा अच्छा लैंडस्केप भी दिखेगा, ब्रेव मैन दिखेंगे, मोनेस्ट्री दिखेगी. तो आप देख सकते हो कितनी वेराइड चीज़ें हम देख सकते हैं अगर हम कूच जाए तो इसलिए कूच को इंडिया का हार्ट एंड सोल बोला गया है. दस कूच शोज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया. ओके, वन मार्क, सॉरी, ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं. व्हाट अट्रैक्शंस इन कूच वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय टूरिस्ट. क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप टूरिस्ट हो तो कूच जाके आप इन्जॉय कर सकते हो? तो डिफरेंट लैंग्वेज का क्वेश्चन है, पूछा तो ये गया है, व्हाट यू कैन गो एंड डू इन कूच. तो कूच इज अ प्लेस ऑफ ब्यूटिफुल साइट्स एंड टूरिस्ट हैव फुल इंटरेस्ट इन इट. ठीक है, द मेन अट्रैक्शन इज कूच that waited to be discovered by tourists are river rafting, अलग अलग sports हैं वहाँ, adventure sports, rock climbing, canoeing, rappelling, mountain biking and elephant riding. Natural sites like rainforest also attracts the tourists. तो ये सब चीज़ें attract करती हैं tourists को. Let's move to the next question. आप screenshot ले सकते हो questions के, so that you can revise it later on. Do adventure sports like river rafting and rock climbing require person to possess just physical strength? Why or why not? क्या आपको क्या लगता है कि अगर आपको rock climbing या कोई adventure sport करना है तो क्या बस आपको physically बहुत ज़्यादा fit होने की ज़रूरत है या you need something else? तो guys, हमें mentally भी बहुत ज़्यादा उस समय पे alert रहना चाहिए जब हम कोई भी adventure sport करते हैं, चाहे वो rock climbing हो, चाहे वो rafting करना हो. तो either we are physically strong, it's okay, but साथ में हमें mental alert भी रहना चाहिए, because उस समय पे हम जो है नेचर में, जैसे हम रिवर राफ्टिंग अगर कर रहे हैं तो हम रिवर में हैं, तो उस समय हमें हमारी सेंसेस बिल्कुल ही ओपन रखनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए, अपना पूरा लाइफ जैकेट वगैरह सब पहननी चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए. तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा. फिजिकल स्ट्रेंथ इज इंपॉर्टेंट, बट साथ में मेंटली भी अलर्ट होना चाहिए हमें. ऐसा नहीं हम राफ्टिंग कर रहे हैं तो हमारा ध्यान भटक गया, या जैसे दिखाते हैं ना वो, हमें बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए. ठीक है, हमारा ओपिनियन मांगा है ना, तो यस, हमें जो है खाली फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, हमें मेंटली भी स्ट्रांग होना चाहिए. एडवेंचर स्पोर्ट्स नॉट ओनली रिक्वायर फिजिकल स्ट्रेंथ बट ऑल्सो मेंटल अलर्टनेस, मेंटल अलर्ट होना चाहिए, एंड साइकोलॉजिकल टफनेस टू. अ पर्सन नीड्स टू हैव एक्सीलेंट जजमेंट एंड शुड हैव अ क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम. एक अच्छी जजमेंट और रिस्पॉन्सिव होना चाहिए हमें जब हम एडवेंचर स्पोर्ट्स करें. दीज स्पोर्ट्स आर डन इन नेचुरल सराउंडिंग, हम नेचर में होते हैं उस समय, हेंस द एडवेंचरर शुड बी एबल टू टेक क्विक एक्शन इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी. और अगर कोई इमरजेंसी हो, जैसे आपको भी बताना पड़ेगा, इमरजेंसी में एकदम से डिसीजन कौन लेगा? जिसका माइंड बिल्कुल अलर्ट है. तो ये मेंशन करना कि जैसे कि आप रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए एकदम से, तो एक क्विक एक्शन लेने के लिए आप अलर्ट होगे तभी तो. जैसे कोई रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हो और कुछ अगर इमरजेंसी हो गई, तो जब वो अलर्ट होंगे तो उन्हें एकदम से दिख जाएगा, अच्छा ये कोई प्रॉब्लम आई है, तो दे कैन एक्ट अपॉन इट. तो इसलिए फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ में अलर्ट होना भी जरूरी है. He should be aware of natural disasters and must have taken precautionary measures with him. हमने बोला ना, अ पर्सन से हम रेफर करें, इसलिए हमने आगे ऐसा लिख दिया है, ही शुड बी अवेयर ऑफ. जो कि भी कोई अगर कोई एडवेंचर स्पोर्ट कर रहा है तो फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ है हमें ज़रूरी क्या, मेंटल अलर्ट रहना और साथ ही के साथ अवेयर रहना नेचुरल डिजास्टर्स से, और प्रिकॉशनरी सेफ्टी मेजर्स देना, जैसे लाइफ जैकेट पहनना एंड ऑल द अदर मेजर्स जो जरूरी है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइज. तो यू कैन सी दिस क्वेश्चन.
फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं. डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ कूच. तो कूच और कोडागु इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका. इट लाइज बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मंगलूर. ठीक है. दिस पीस ऑफ हेवन मे ऑल्सो बी कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स. इट इज द होम ऑफ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पाइसेज एंड कॉफी प्लांटेशन. ड्यूरिंग द मॉनसून कूच हैज लॉट ऑफ रेन्स. तो आप कूच का पूरा ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसे एक्सप्लेन कर देना. नेक्स्ट क्वेश्चन. कूच बिलोंग टू अ वेलोरस एंड हॉस्पिटेबल रेस. कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट इफ रेफरेंस टू द टेस्ट. तो कूच में काफ़ी ज़्यादा ब्रेव, वेलोरस मतलब ब्रेव और हॉस्पिटेबल लोग रहते हैं. कमेंट करो. ठीक है. तो लेट्स आंसर. ऐसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा भी था, कूच के लोग बहुत हॉस्पिटेबल हैं एंड दे आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी. इनफैक्ट उनको अलाउड है विदाउट एनी लाइसेंस अपने पास जो है आर्म्स रखना. तो वाई? बिकॉज दे आर वेरी ब्रेव, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज दे आर ट्रस्टवर्दी एंड दे आर वेरी हॉस्पिटेबल ऑल्सो. ठीक है. लेट्स आंसर इट. द कूची आर नोन टू बी पॉपुलेशन ऑफ प्राउड मैन एंड वुमेन एंड हु ट्रीट देयर गेस्ट एंड अदर विद ग्रेट रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. They are very humble in nature and welcome people in their homes with open arms. बहुत humble हैं और अपने घर में कोई भी उनका आता है तो अच्छे से उनका स्वागत करते हैं. They tend to get along with people by telling them stories of their rich culture and which includes tale of bravery of their kind. और वो लोगों से मिक्सअप कैसे होते हैं, बातचीत कैसे करते हैं, अपनी पुरानी कहानियाँ बता के, अपनी ब्रेवरी की और अपने रिच कल्चर की कहानियाँ बता के. They take great pride in their history and love to share it with others. उनको काफ़ी गर्व है अपनी हिस्ट्री पे और वो उसको शेयर करते हैं लोगों के साथ, उन्हें अच्छा लगता है. द पीपल ऑफ कूच आर ऑल्सो नोन फॉर देयर ब्रेवरी. इवन नाउ ओनली कोडागुज या फिर आप देख सकते हो पीपल ऑफ कूच आर अलाउड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट एनी लाइसेंस. सो यू कैन रेफर टू दिस क्वेश्चन नाउ. आई एम गेटिंग अ सेट. आप स्क्रीन शॉट ले लो. एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ठीक है. कमेंट योर ओपिनियन. आपको बताना था तो हमने फॉर्म कर दिया. नेक्स्ट. हाउ हैज़ द कूच ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेवरी रिकोगनाइज इन मॉडर्न इंडिया. कैसे हमने उनके ब्रेवरी को रिकोगनाइज करा है. तो गाइज जैसे कि अलाउड है कूच या कोडागुज के पीपल को क्या अपने पास आर्म रखना, वो मैंशन करना पड़ेगा. द कूची ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेवरी हैज़ बिन रिकोगनाइज बाई अवॉर्डिंग द कूच रेजिमेंट विद द मोस्ट नंबर ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स. कूच रेजिमेंट को सबसे ज्यादा मोस्ट सेलिब्रेटेड बना गया था, मोस्ट डेकोरेटेड, यानी कि उन्हें बहुत सारे ब्रेवरी अवार्ड्स मिले. द कूच और द ओनली इंडियंस अलाउड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट एनी लाइसेंस. और उन्हीं को अलाउड है फायर आर्म रखना विदाउट एनी लाइसेंस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कमेंट ऑन द वाइल्ड लाइफ ऑफ कूच. तो वाइल्ड लाइफ बताओ. कूच हैज़ अ बाउंटिफुल एंड वेरीड लाइफ वाइल्ड लाइफ. इट हैज़ फिश लाइक द महासीर, बर्ड्स लाइक किंगफिशर एंड एनिमल्स लाइक मलबर स्क्विरल, लंगूर, मखाओ, स्लेंडरलॉर्स एंड एलिफेंट. सारे एनिमल्स बता देना. बिसाइड बीज एंड बटरफ्लाइज आर ऑल्सो बीन देयर. ठीक है. तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो करते हैं. डिस्क्राइब कूच इन ब्रीफ एज प्रेजेंटेड इन ओपनिंग पैराग्राफ. ओपनिंग पैराग्राफ में कूच को कैसे डिस्क्राइब करें बताओ. कूच इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर एंड डिस्क्राइब एज अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव डिफरेंट फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. तो ये जरूर लिखना है क्या बोला गया था उसे, पीस ऑफ हेवन. ठीक है. इट इज ऑल्सो डिस्क्राइब एज लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, मार्शल मैन, ब्यूटिफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई द पीपल ऑफ कूच नोन एज डिसेंडेंट्स ऑफ अरब. तो थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे. द थ्योरी ऑफ द पीपल ऑफ कूच एज डिसेंडेंट ऑफ अरब ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडरी वीस बेल्ट वोन बाय द कोडागुज नोन एज कुपिया. तो वो ड्रेस पहनते हैं कुपिया, जो लॉन्ग ब्लैक कोट है जिसकी एम्ब्रॉयडरी पे एक वेस्ट बेल्ट होती है एम्ब्रॉयडरी वाली, उसको कुपिया कहते हैं. इट रिजेंबल्स टू द कुफिया वोन बाय द अरब्स एंड कर्ड्स. और वो जो ड्रेस है उनकी ब्लैक कलर की और जिस पे ऐसे यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी वाली एक बेल्ट होती है, वो बिल्कुल मैच करती है या रिजेंबल करती है आप कह सकते हो उस ड्रेस से जो अरब्स पहनते थे और कर्ड यानी कि कर्डिश पीपल पहनते थे. तो जैसे सेम ड्रेस से हमने जो है उस थ्योरी से माना है कि शायद कूच के लोग जो है ऐसा कहा जाता है अरब्स भी हैं. ठीक है. डिसेंडेंट्स ऑफ अरब्स. नेक्स्ट. व्हाई डू यू थिंक द ऑथर कॉल कूच अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव डिफरेंट फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. क्यों कहा ऑथर ने कूच को अ पीस ऑफ हेवन, स्वर्ग का एक ऐसा टुकड़ा जो स्वर्ग से यहाँ धरती पे आके, क्यों कहा? बिकॉज इतना ब्यूटीफुल है कूच इसलिए कहा. तो लेट्स मेंशन दिस. द ऑथर कॉल्स कूच अ पीस ऑफ हेवन ड्यू टू इट्स सेरेनिक एंड नेचुरल ब्यूटी. बहुत अच्छी ब्यूटी है. द हिल स्टेशन ऑफ कूच इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स. लोकेशन बता देते हैं, इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका. इट इज लोकेटेड मिडवे बिटवीन बैंगलोर एंड मैंगलोर. ठीक है. इट इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स. इट इज़ इनहेबिटेड. देखो गाइस हमने वही लाइन्स मेंशन करी हैं. इट इज़ इनहेबिटेड बाय प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स. कूच इज द होम ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट एंड ऑल दैट. तो आपने सेम मेंशन कर दी क्योंकि उसकी सेरेनिक ब्यूटी और नेचुरल ब्यूटी की वजह से जो है उसे मेंशन करा गया और आगे कूच की डिटेल दे दी. ठीक है. नेक्स्ट. डिस्क्राइब द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट सेटलमेंट इन कूच. कौन सी है? बिलो द रोलिंग हिल्स लाइज द लार्जेस्ट तिबेटियन सेटलमेंट इन इंडिया इन कूच. द बुद्धिस्ट टेम्पल Balkub is famous for its grandeur and beauty. The monks in their red ochre and yellow robes represent the heart and soul of India right here in the Kooch. Okay. Next, why do the most visitors keep away from Kooch during the monsoon? Where do they resume their journey? Give reason. तो मैंने आपको जैसे question put up करा था comment में, हो सकता है आपने वो जान से बता दिया हो. तो most of the visitors keep away from Kooch during the monsoon क्योंकि वहाँ बहुत बारिश होती है. Because it poured heavy rain
बिकॉज इट पोर्स वेरी हैवली ड्यूरिंग द मॉनसूनस. दे रिज्यूम देयर जर्नी फ्रॉम सितंबर टिल मार्च. अगर घूमने जाना है तो कब जाते हैं? सितंबर टिल मार्च. एंड आई विल चेक कि कितने बच्चों ने मुझे करेक्ट आंसर बताया था. व्हेन द वेदर इज परफेक्ट विद अ लिटिल चार्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस हम. One is known by one's roots. The people of Kooj are also recognized for their values and traits in spite of being thousands of miles away from their place of origin, Greece and Arabia. Describe their values and traits. इस क्वेश्चन में आपको Kooj के लोगों की और Kooj की ना values and traits को describe करना है. ठीक है, तो starting में तो हम बता देंगे yes, one is one known by its roots. ठीक है, हम अपने roots से पहचाने जाते हैं और क्यों पहचाने जाते हैं वो अरेबिक लोगों से और ग्रीक से, ये भी बता देंगे. एंड देन हमें पूरे ट्रेड्स बताने हैं Kooj के. ठीक है, तो लेट्स सी. इट इज़ ट्रू दैट वन इज़ नोन बाय वन रूट. सो इन द कॉन्टेक्स्ट द फियरलेस इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ Kooj आर पॉसिबली ग्रीक और अरेबिक. जरूर मेंशन कर देना. तो हम लिखेंगे द Kooj हैव देयर रूट्स इन द प्लेस ऑफ ओरिजिन दैट इज ग्रीस एंड अरेबिया. सो देयर ब्लड और कल्चर इज अपेरेंट इन देयर मैरिटल स्टेटस. तो उनका जो कल्चर है ना वो थोड़ा सा हमें रिप्रेजेंट हो जाता है उनके मैरिज कल्चर. शादी करने के जो राइट्स होते हैं उसमें वो थोड़े डिफरेंट है. ठीक है, दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर. अब गाइज हम उनके ट्रेड्स बताने शुरू कर देंगे जो हमसे यहाँ पूछे गए हैं. दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर. ठीक है, द Kooj रेजिमेंट इज वन ऑफ मोस्ट डेकोरेटेड एंड इन्हें हमने डेकोरेटेड मतलब उन्हें बहुत अवार्ड्स मिले हैं. ओके, ऑल्दो Kooj आर थाउजेंड्स ऑफ माइल अवे फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन ग्रीस एंड अरेबिया, दे आर वर्चुअली रिकॉग्नाइज फॉर देयर वैल्यू एंड ट्रेड्स. ठीक है, उनके वैल्यू और ट्रेड्स के लिए उन्हें रिकॉग्नाइज कर जाता है. दे हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, दे आर ब्रेव, फियर्स, इंडिपेंडेंट एंड डेयरेबल. दिस क्वालिटीज मेक देम यूनिक. ठीक है, तो ये कुछ आपको क्वालिटीज बता देनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. Kooj सीम्स टू शेयर अ लॉट ऑफ हिस्टोरिक perspective is knowing such kind of historical knowledge important for us. तो जब हमने Kooj chapter पढ़ा तो हमें काफ़ी कुछ historical बातें पता चली, जैसे Alexander की army का and जो वो dress है Kurdish and Arabic people की उसके बारे में पता चला. तो काफ़ी historical knowledge हमें मिली, उसके बारे में आपको बताना है. और क्या ये knowledge हमारे लिए important? Obviously historical knowledge is important. तो let us see. In the lesson Kooj the author tells us that Kooj people are descendant of either Greek or Arabs. ठीक है, तो हमें ये भी तो पता चला कि ऐसा कहा जाता है कि शायद ये लोग शायद Greek descendant है या descendant hai. He says that they could have been Greek origin because there was a large part of Alexander's army moved to the south and settled there. According to another legend, they have Arab origin because the dresses they wore. The author also tells us that first general of Indian army, ek aur historical baat pata chali, first general of Indian army, General Karyappa, was a Kooj. Theek hai, it is an important for us to know about deep rooted cultural background of a country. So and heritage, so that we become aware of the fact that our culture has welcomed people from other culture and absorbed them into its own. तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी हिस्ट्री के बारे में जानें, अपने कल्चर के बारे में जानें, कि हमने भी कैसे अपने जो हमारा कल्चर था उसमें हमने सभी प्रकार के लोगों को वेलकम करा एंड अब्जॉर्ब करा उनका. ठीक है, तो लेट्स सी. दिस स्प्रेड्स द मैसेज ऑफ बींग टॉलरेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज़ वर्ल्ड. ये क्या शो करता है कि हमें टॉलरेंट रहना चाहिए, वी शुड वेलकम एवरीवन. ठीक है, इन टुडेज़ वर्ल्ड व्हेन द वर्ल्ड इज़ टॉर्न विद वॉर बिकॉज ऑफ दीज एथनिक रीजन. जैसे आज के ज़माने में वॉर होते हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी इशूज़, तो इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि कैसे हॉस्पिटेबल हैं Kooj के लोग भी और कैसे इंडियन कल्चर में, हमारे कल्चर में जो है इतनी सारी हेरिटेज है, इतनी सारी डाइवर्सिटी है. तो ये हमें ये सीख देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 15, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस क्वेश्चन का, ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन या नेचुरल वेल्थ ऑफ Kooj. ठीक है, तो लोकेश अब्रोल यानी कि जो राइटर हैं Kooj के, सेज दैट Kooj इज ब्यूटिफुल प्लेस बिटवीन टाउन ऑफ मैसूर एंड मैंगलोर या मैंगलोर एंड मैसूर. इट इज़ गिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. रीड दिस क्वेश्चन, ऑल द नेसेसरी डिटेल्स आर गिवन हेयर. एंड विद दिस हमने गाइस 15 क्वेश्चन जो है अपने कंप्लीट कर लिए हैं. ऐसे ही मैंने सभी चैप्टर के 15 शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर को प्रैक्टिस करवा दिया है. आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो एंड यू कैन रीड ऑल द क्वेश्चन, प्रैक्टिस कर सकते हो उनको. ये सभी क्वेश्चन की जो लाइन से हेल्प करेंगे आपको डिफरेंट क्वेश्चन फॉर्म करने में. तो बेस्ट ऑफ लक. इफ यू हैव एनी क्वेरीज टेल मी नाउ इन द कमेंट सेक्शन एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.